Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK. Guidance and knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी GK family? I hope सभी अच्छे होंगे. अपनी सेहत, family और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए. तो चलिए शुरुआत करते हैं. ये वीडियो आपको उन सभी के एग्जाम्स के साथ में काम आएगी जहाँ पे आपको करंट अफेयर और स्ट्रेटिक पोस्ट पूछा जाता है. आज कोई स्पेशल डे नहीं है, लेकिन आज एक स्पेशल इवेंट हुआ था. एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, तो उसी से शुरुआत करेंगे हम. आज अफ्रीकन यूनियन की शुरुआत हुई थी 2002 के अंदर. इसके बारे में जान लेते हैं. अफ्रीकन यूनियन एक कॉन्टिनेंटल बॉडी है. मींस एक कॉन्टिनेंट, जैसे कि हमारी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट हैं, तो ये कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से रिलेटेड है. तो उसके अंदर 55 स्टेट्स हैं वो इसके मेंबर हैं. और इसकी 2021 के अंदर 34th समिट देखने को मिली थी 6-7 फरवरी को. और इसकी थीम रखी गई थी आर्ट्स कल्चर हेरिटेज लेवर्स फॉर बिल्डिंग अफ्रीका वी वांट. इसके अधिस अबाब इथियोपिया साउथ अफ्रीका के अंदर इसे लॉन्च किया गया था. मीन्स इसी दिन इसको इस्टेब्लिश किया गया था 9th of July 2002 को. और ये अफ्रीकन यूनियन इसको किसके रिप्लेस में लेकर आए गए थे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी इसको रिप्लेस करके अफ्रीकन यूनियन को लाया गया था. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कल के क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं. इनमें से कौन सा स्टेट और यूनियन टेरिटरी है जिसने 95% प्रोड्यूस किया है पूरी कंट्री का प्रोडक्शन का कमर्शियल वैरायटी ऑफ चेरी. चेरी के बारे में ये बताना है हमें. चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, तमिलनाडु. तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, जम्मू एंड कश्मीर ने किया है इसका उत्पादन. और आप बता सकते हैं कि आप में से किसको चेरी खाना पसंद है. अभी अभी क्या हुआ है कि फ्रेश शिपमेंट भेजी गई है. कौन सी वैरायटी की चेरीज हैं उनको जम्मू एंड कश्मीर वैली से एक्सपोर्ट दुबई में श्रीनगर से. मिश्री वैरायटी है चेरी की, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डिलीशियस होती है. लेकिन इसके अंदर विटामिन होती है, मिनरल होते हैं, प्लांट कंपाउंड होता है जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है. यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर है वो प्रोड्यूस करती है पूरी कंट्री की 95% टोटल प्रोडक्शन होता है उसका. और इसकी 4 वैराइटीज देखने को मिलती हैं. कौन कौन सी? डबल, मखमली, मिश्री और इटली. ये एक नेशनल रेफरल लेबोरेटरी है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स जो कि पुणे के अंदर बेस्ड है. ये प्रोवाइड करवाता है इसको सपोर्ट और इसकी इंश्योर करता है कि फूड सेफ्टी और क्वालिटी है इसकी शिपमेंट के वो कैसी है ये बताता है ये. और क्रिएट करता है ब्रांड चेरीज के लिए स्पेशली मिडल ईस्ट कंट्रीज के अंदर. फिर हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, ग्रेविलिया बोरो समटाइम्स न्यूज़ में देखने को मिलता है, ये क्या है रिसेंटली बताना हमें. न्यू स्पीसीज ऑफ स्पाइडर है, नई स्पीसीज ऑफ बैट की है या फिर नई स्पीसीज स्नेक की है या फ्रॉग की है. तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए. इस बार काफ़ी सारे स्पाइडर्स मिल रहे हैं, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हमें मिला था जंपिंग स्पाइडर और उससे पहले और भी स्पाइडर्स मिले थे और अब फिर से एक और नया स्पाइडर मिला है. चलिए देख लेते हैं इसके बारे में या आप इसके लुक को देख सकते हैं. नए स्पीसीज मिले हैं, 2 नए स्पीसीज मिले हैं हमें स्पाइडर्स के जो कि कहाँ मिले हैं? जारबरी रेंज के अंदर, वेस्टर्न आसाम के अंदर, जो चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट है उसके अंदर. और दोनों स्पीसीज हैं उन्होंने सेम प्लेस को शेयर किया है. ग्रेविलिया बोरो है, ये एक न्यूली डिस्कवर्ड बोरो है, बोरो स्पाइडर है. और एक और दूसरा मिला है, उसका क्या नाम है? डिक्सिप्स कैलिनी. ये एक ओरिएंटल जंपिंग स्पाइडर है जो कि रिकॉर्ड किया गया है. ये फर्स्ट टाइम पाया गया था ये 129 ईयर्स के पहले एक स्वीडिश आर्कनोलॉजिस्ट थोरेल इनके द्वारा ये ढूंढा गया था. ये कहाँ पे मिला था ये स्पाइडर? ये डिस्कवर किया गया था 2600 किलोमीटर दूर सुमात्रा से. दोनों स्पीसीज हैं वो कहाँ डिस्कवर हुई हैं? बोडोलैंड टर्टल ऑर्गेनाइजेशन रीजन के अंदर पाई गए हैं. ग्रेविलिया बोरो है वो बिलोंग करती है किससे? नेमेशिडी फैमिली से, जिसकी 184 स्पीसीज हैं पूरी दुनिया के अंदर देखने को मिलती हैं. और डिपिक्सिक्स कैलिनी है वो बिलोंग करती है सेलेटिसाइड फैमिली से जो कि पूरी दुनिया में एक लार्जेस्ट फैमिली है स्पाइडर्स की. एक आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवेज रनिंग है जो कि नॉर्थ से साउथ के अंदर तो हमें बताना है ये कनेक्ट करता है रेड सी को किसके साथ में? ब्लैक सी के साथ में, मेडिटेरेनियन सी के साथ में, कैस्पियन सी के साथ में या फिर बाल्टिक सी के साथ में.
बाल्टिक सी के साथ में। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा मेडिटेरेनियन सी के साथ में। चलिए इसको देख लेते हैं, ये आपको यहाँ पे दिख रही है, ये स्वेज कैनाल है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है ये पूरा, और ये वाला एरिया है ये रेड सी का है, ये इन दोनों को कनेक्ट करती है। यहाँ पे आप इजिप्ट देख सकते हैं, जो इकोनॉमी है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है स्वेज कैनाल, क्योंकि इसका इसके ऊपर से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता है। इस साइड आपको इसराइल देखने को मिलेगा। आगे देख लेते हैं इसके बारे में। स्वेज कैनाल है एक आर्टिफिशियल सी लेवल वाटर वे है जो कि नॉर्थ से साउथ के अंदर बहता है इजिप्ट के अंदर, और ये कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को। ये कैनाल है ये सेपरेट भी करता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को एशिया से। ये प्रोवाइड करवाता है सबसे शॉर्ट मैरीटाइम रूट जो किसको? यूरोप को, और जो कि लैंड जो कंट्रीज हैं इंडियन और वेस्टर्न पैसिफिक ओशंस के अंदर उनको। वैसे एक बात और भी है कि ये स्वेज कैनाल खुलने के बाद में ब्रिटेन की पकड़ हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने हमारे बहुत सारा नुकसान कर दिया, हमारे देश को लूट के खा गई सबसे बोल यही बोल सकती हूँ मैं। ये सबसे ज़्यादा हैवीली यूज़ किया जाने वाला एक शिप प्लेन है। इसके अंदर वर्ल्ड का अगर वॉल्यूम के अंदर देखें तो 12% जो ट्रेड है वो यहीं से देखने को मिलता है। ये प्रोवाइड करवाता है एक क्रूशियल लिंक किसको? ऑयल को, नेचुरल गैसेस को और कार्गो को कि वो ईस्ट से वेस्ट के अंदर जा सकें। और डेटा के अकॉर्डिंग जो कैनाल अथॉरिटी की स्वेज कैनाल अथॉरिटी की डेटा के अकॉर्डिंग 2020 के अंदर नियरली 90,000 शिप्स हैं वो इससे गई हैं। इसके अगर हम एवरेज देखें तो 51.5 शिप्स हैं एक दिन में गई हैं यहाँ से, जो कि टन में है तो 1.17 बिलियन टन्स इतना पास हुआ है एक दिन कैनाल के अंदर से। और ये कैनाल है ये एक मेजर सोर्स है इनकम का इजिप्ट इकोनॉमी का और अफ्रीकन कंट्रीज़ की अर्निंग का, क्योंकि वो 5.61 बिलियन डॉलर्स हैं उसका रिवेन्यू लास्ट ईयर देखने को मिला। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा क्रूशियल है ये इनके लिए। और 2015 के अंदर जो इजिप्ट है उसने अनाउंस किया था कि प्लान करेंगी वो फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए स्वेज कैनाल का, ताकि वो 2023 तक क्या कर सकें, वो इस जो ट्रेड वॉल्यूम है उसको डबल कर सकें और शिप्स हैं वो भी डबल यहाँ से निकल सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है किसके बारे में? क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बारे में हम ये बताना है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था ललिता कुमारी केस के अंदर, जिसके अंदर बोला गया था कि क्लियरली कहा गया था कि FIR है वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, उसके अंदर रजिस्टर करना ज़रूरी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बताया गया है कि 3 में से 1 वुमेन वो पूरे दुनिया के अंदर ऐसी है, मतलब कि 35% वुमेन दुनिया के अंदर हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज़ उनके इंटीमेट पार्टनर के द्वारा या फिर नॉन इंटीमेट पार्टनर के द्वारा उनकी लाइफ के अंदर। फिर अगला ऑप्शन है हमारा, ग्लोबली 48% मर्डर्स हैं वुमेन के वो उनके मेल इंटीमेट पार्टनर के द्वारा किए जाते हैं। वॉयलेंस है वो नेगेटिवली अफेक्ट करता है वुमेन की फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर और इंक्रीज कर देता है उनका रिस्क कि वो उनके अंदर वायरस हो जाए, HIV वायरस हो जाए। तो बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट है हमारा, तो आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, क्योंकि यहाँ पे 48 नहीं यहाँ पे 38% आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में। क्या हुआ है कि जो दिल्ली पुलिस है उसने डेटा पब्लिश किया है जिसके अंदर क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बारे में बताया गया है कि 2021 के अंदर सिर्फ 6 महीने के अंदर अगर 2020 से कंपेयर करते हैं तो हमें इंक्रीज़ देखने को मिला है 63.3% है इतना इंक्रीज़ हुआ है केसेस के अंदर, और वो जो वुमेन है उनके खिलाफ क्राइम बढ़ा है इतना। इस डेटा के अकॉर्डिंग बताया गया है कि 580 केसेस हैं जून के अंदर वो रजिस्टर हुए थे 2020 के अंदर, जबकि वो 833 हो गए हैं 2021 के अंदर। ये रेप केसेस के बारे में बात हो रही है, और जो कि टोटल मिलाकर अगर देखें तो 2020 से 2021 के अंदर 43% ज़्यादा है। मोलेस्टेशन की केसेस की बात करें तो 733 से लेकर से कितने हो गए हैं 1022 हो गए हैं, मतलब कि इसके अंदर 39% का इंक्रीज़ देखने को मिला है। फिर किडनैपिंग की केसेस हैं उनके अंदर 1026 से लेकर 1580 हो गए हैं, इसके अंदर भी आप इंक्रीज़ देख सकते हैं। एबडक्शन के केसेस हैं वो भी 46 से 159 हो गए हैं। डाउरी डेथ के केसेस हैं वो भी 47 से 56 हो गए हैं। ग्लोबली 38% मर्डर हैं जो वुमेन की वो कमिट किए जाते हैं उनके मेल इंटीमेट पार्टनर के द्वारा। इसलिए ये क्वेश्चन न्यूज़ में है, कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप हर तरह से तैयार रहिए। इसके बारे में देख लेते हैं, ललिता कुमारी जो केस है इसके अंदर ये क्या हुआ है, ये एक माइनर गर्ल थी जो कि किडनैप हो गई थी
और उनके फादर हैं, उन्होंने उनके फादर हैं, उनका नाम था भोला कामत। उन्होंने एक हैबियस कॉर्पस की पटिशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्यों ऐसा उनको ऐसा क्यों करना पड़ा था कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैबियस कॉर्पस की पिटीशन लगानी पड़ी उन्हें? क्योंकि उन्होंने अपने आस के अपने पास के जो पुलिस स्टेशन है उसके अंदर रिपोर्ट दर्ज करने की कोशिश की थी। उन्होंने जो एप्लीकेशन है उनकी जो FIR है उसको दर्ज नहीं किया था। उसके बाद में उनका ये केस है वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास पहुँचा, फिर उनकी FIR दर्ज हुई। और FIR दर्ज होने के बाद भी वहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, इस वजह से उन्होंने अपनी जो पिटीशन है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर की। फिर उसके अंदर क्या हुआ कि 5 जजेस हैं उनकी बेंच ने ये फैसला सुनाया कि FIR है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर दर्ज करना ज़रूरी है। पुलिस अपनी जो अवॉइड है अब पुलिस जो अपनी ड्यूटी को अवॉइड नहीं कर सकती, उसको रजिस्ट्रेशन करना ही होगा कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस देखने को मिलता है तो, और एक्शन लेना ही होगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसे ऑफेंस होते हैं जिनके अंदर पुलिस है वो बिना किसी वारंट के ही किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है? इसके अंदर मर्डर हो गया किसी का, उसने मर्डर किया है, रेप किया है, डाउरी किया है, डबल डेथ हुई है या फिर किडनैपिंग की है। इसके अंदर जो सेक्शन 154 है CRPC का वो उसके लॉज लगते हैं, तो उस मैनर में इंफॉर्मेशन दी जाती है, रिसीव की जाती है कमीशन के द्वारा, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के रूप में आता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अपराइजिंग या रिबेलियन है जिसे उलगुलान या फिर ग्रेट कॉन्वेंशन बुलाया जाता है? तुम्हारे ऑप्शन है रामोसी अपराइजिंग, दूसरा है हमारा मुंडा अपराइजिंग या रिबेलियन, या फिर संथाल रिबेलियन, या फिर कोल अपराइजिंग। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा मुंडा अपराइजिंग। इसको देख लेते, ये क्यों न्यूज़ में आया है? क्योंकि अभी जो कैप्टन गुरिंदर सिंह सूरी हैं वो उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट किया गया है। वो बिरसा मुंडा जो कि 1999 के अंदर ऑपरेशन चलाया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा, उसी को ध्यान में रखकर इनके खिलाफ इनके लिए एक मेमोरियल बनाया गया है इनकी मेमोरी के अंदर गुलमर्ग में। कहाँ पे है ये? LOC के पास में है, मतलब कि कश्मीर के अंदर है। और यहाँ पे कौन कौन शामिल थे? तेज प्रकाश सिंह जो कि रिटायर हैं और उनके फादर हैं गुरिंदर सिंह के, वो भी शामिल थे। बाद में जो गुरिंदर सिंह हैं उनको क्या किया था? उनको महावीर चक्र भी दिया गया था उनकी मृत्यु के बाद में। ऑपरेशन बिरसा मुंडा ये क्या हुआ, ये क्यों लिखा गया था? पाकिस्तान की एक पोस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था इंडियन आर्मी उनकी बिहार बटालियन के द्वारा इसके ऑपरेशन के अंदर, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन बिरसा मुंडा। नवंबर 1999 के अंदर ये वो टाइम था जब ऑपरेशन विजय वो ख़त्म ही होने वाला था, मतलब कि पूरा ही होने वाला था, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फिर भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ और वॉयलेंस देखने को मिल रहे थे। तो उसको एक शिफ्ट और म्यूटोकोसिसली, मतलब कि बहुत ही महीन तरीके से, बहुत ही ध्यान रखकर प्लान किए गए ऑपरेशन के थ्रू पाकिस्तान की एक पोस्ट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था और 17 जो पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं उनको मार दिया गया था। तो क्वेश्चन चाहे ऑपरेशन बिरसा मुंडा से पूछा जाए या फिर बिरसा मुंडा अपराइजिंग से पूछा जाए, तो आप दोनों के लिए तैयार रहिए, क्योंकि क्वेश्चन है वो ऐसे ही घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ऐसे कोई ऐसे ही पूछ लेता है हवा में, उसके आगे पीछे कुछ ना कुछ न्यूज़ में होता है, इसलिए उसको क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो ऑपरेशन बिरसा मुंडा के बारे में भी बता दिया मैंने, और बिरसा वो मुंडा के काराबिलियन है उसके बारे में अभी देख लेते हैं। ये इन्हें क्या बुलाया जाता है? बिरसा मुंडा उनको भगवान बिरसा ये क्या है, ये स्ट्रोलॉजी किया वल्लू लिया यानी वनु एलियाई, ये एक नॉन वेनस स्नेक है। रिसेंटली ये कहाँ पे पाया गया है? मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, असम। हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है मिजोरम के अंदर पाया गया है। ये रिसर्चर्स की जो यूनिवर्सिटी है उसकी रिसर्चर्स की टीम ने इसे ढूंढा है। ये एक नॉन वेनस स्नेक है जो कि इंडिया के हेप्टरफुना के अंदर इंक्लूड किया गया है। ये एक रिसर्चर्स की टीम है जो मिजोरम यूनिवर्सिटी की है, उसने इसको खोजा है। ये 50 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकता है और इसका कलर है वो डार्क ब्राउन और येलो कलर के अंदर हो सकता है। ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि नकली सांप है, लेकिन बहुत ही रियल है और बहुत ही अलग डिफरेंट कलर का देखने को मिल रहा है। और ये पाया गया है
ड्राइड अप हो चुकी है, जो मतलब जो सूख चुकी हैं लीवर बेड के अंदर, आइजोल के अंदर इसे पाया है। और ये थर्ड स्पीसीज हैं जिसको पाया गया है, जो कि किससे रिलेटेड है, स्ट्रोकल जेकिया जीनस से रिलेटेड है इंडिया के अंदर। और स्नेक है इसका नाम स्ट्रोकल जेकिया गया है वर्नोएलियानियाई, जो कि एक मेजो वॉरियर थे उनके नाम पर रखा गया है उनको। इसका कॉमन नेम है वो क्या है, लुशाई हिल्स ड्रैगन स्नेक। इसको ये भी बोला जा सकता है कि ये रिसेंटली पाया गया है इंडिया के अंदर, चाइना के अंदर, अफ्रीका के अंदर, इवन कोई और नाम भी दे सकते हैं। सो ये नाम भी दिया जा सकता है क्वेश्चन के अंदर और ये नाम भी दिया जा सकता है क्वेश्चन के अंदर, तो आप दोनों ही तरीके से इसको याद रख सकते हैं। मेरे हिसाब से तो एक रफ पेज के ऊपर अलग से आपको बना लेना चाहिए एक सेक्शन, कि रोज़ नई नई खोजें होती हैं तो उनको आप एक पेज के ऊपर लिख लेंगे तो आपको आसानी होगी इसको याद करने में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है किसके रेफरेंस में, NO2 के रेफरेंस में। NO2 है कि ये इंटरमीडिएटरी इंडस्ट्रियल सिंथेटिक है, जो कि किसका है, नाइट्रिक एसिड का। ये अफेक्ट करता है रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी और जो ब्रेन सिस्टम है उसको। फिर के अंदर अगर NO2 अदर NOx जो वाटर के अंदर है, ऑक्सीजन और केमिकल प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी वजह से एसिड रेन हो सकती है, जो कि हमारे सेंसिटिव इकोसिस्टम को हार्म पहुंचा सकती है। हैदराबाद है उसके अंदर NO2 पोल्यूशन है वो 69% बढ़ गया है लास्ट ईयर। इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है हमें बताना है। फर्स्ट हमारे ऑप्शंस हैं फर्स्ट, सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, या फिर ये सभी की सभी। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज ये सभी की सभी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में, ये क्यों न्यूज़ में है। रिसेंटली NO2 से रिलेटेड जो कंसनट्रेशन, NO2 की कंसनट्रेशन से रिलेटेड इंडिया के अंदर एक स्टडी की गई है, जिसके अंदर पाया है कि जो एट मोस्ट पॉपुलस सिटीज़ हैं, जिनका नाम है, क्या नाम है जिनका, मुंबई है, दिल्ली है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है, चेन्नई है, कोलकाता है, लखनऊ है, जयपुर है, ये सभी सिटीज़ हैं, इनके अंदर इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा पाई गई है। दिल्ली के अंदर तो इसके अंदर ड्रामेटिक चेंज देखने को मिला है। हैदराबाद है उसके अंदर जो पोल्यूशन है वो इंक्रीज़ हुआ है 69%, 94% इंक्रीज़ हुआ है चेन्नई में, 90% बेंगलुरु में, 69.5% मुंबई में, 47% जयपुर में, 32% लखनऊ में, 11% कोलकाता में, एक ही सेम टाइम में, मतलब कि एक ही साल के अंदर। NO2 है वो इंटरमीडिएटली इंडस्ट्रियल सिंथेटिक है, नाइट्रिक एसिड का है, और ये एक रेडिश ब्राउन गैस होती है, जिसका जो कि हाई टेम्परेचर के अंदर दिखाई देती है। NO2 का या फिर अदर जो NOx जो पानी के अंदर होते हैं, ऑक्सीजन का या फिर अदर केमिकल्स हैं, अगर वो सब एक साथ एट्रोपोस्फीयर के अंदर दिखाई देते हैं तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से एसिड रेन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जो कि हमारे सेंसिटिव इकोसिस्टम को हार्म पहुंचा सकती हैं। इंक्रीज लेवल NO2 का वो हार्म कर सकता है हमारे वेजिटेशन को, डिक्रीज कर सकता है उसकी ग्रोथ, और हमारे जो क्रॉप की यील्ड है उसको भी घटा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस DPE, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इसके अंदर रिसेंटली चेंज किया गया है, तो आपको बताना है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, और इससे पहले ये माइक्रो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री और पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर आता था, लेकिन इसे रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डाल दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने डिसाइड किया है कि वो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज को फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर लेकर आएगी, ताकि जो फ्यूचर जो डिसइन्वेस्टमेंट प्लान हैं उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके, बनाया जा सके और इम्प्लीमेंट किया जा सके। और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये डिपार्टमेंट्स का नाम दे दें और आपसे पूछें कि इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट है वो इसके अंदर शामिल होता है या फिर कौन सा इसके अंदर शामिल नहीं होता है। सो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, तो आप हमेशा तैयार रहें। कौन कौन से डिपार्टमेंट जो इसके अंदर आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट, या डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है हमें किसके रेफरेंस में, स्काई स्क्रैपर्स के बारे में बताना है। हमारी पहली स्टेटमेंट है, यूनाइटेड स्टेट है वो लार्जेस्ट, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर सबसे ज़्यादा टॉल बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं दुनिया के अंदर, और चाइना है वो सेकंड नंबर पे आता है। शंघाई टावर है वो वर्ल्ड का सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग है पूरी दुनिया के अंदर। शंघाई टावर है वो पूरी दुनिया का सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है हमें बताना है। फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड ओनली, या फिर सभी की सभी। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी,
बिकॉज सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट है वो इनको इंटरचेंज कर दिया गया है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स है वो सेकंड नंबर पे आती हैं और चाइना है वो फर्स्ट नंबर पे आती हैं, स्काई स्क्रैपर्स बुलाया जाता है। चाइना रिसेंटली क्या हुआ है कि चाइना ने बैन कर दिया है कंस्ट्रक्शन टोलेस्ट स्काई स्क्रैपर्स का, उनकी सेफ्टी कंसर्न जो क्वालिटी को रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर देखने को मिली है तो उसकी वजह से इसे बैन कर दिया गया है। इसकी जो 2019 के अंदर चाइना ने सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई थी, इस एक नेशनल डिपार्टमेंट नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन के द्वारा बैन कर दिया गया है, क्योंकि जिन बिल्डिंग ने 500 से भी ऊंची बिल्डिंग्स बनाई गई हैं उनको, और लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनके अंदर कहा गया है कि 250 जो मिलियन टोल बिल्डिंग है उसके ऊपर से जो भी काम हुआ है उन सभी को बैन कर दिया जाएगा और आगे कोई भी नया प्रोजेक्ट नहीं लेकर आया जाएगा इससे ऊपर। और कमीशन है उसने इम्पोज कर दिया है प्रिंसिपल बैन लगाया है, कोई भी बिल्डिंग 500 मीटर से 2020 के अंदर से बाद में अब कोई भी 500 से ऊंची बिल्डिंग नहीं बनेगी। वैसे हमें इतना अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, हमें स्पेशली यही बात बतानी चाहिए कि सबसे बड़ी बिल्डिंग्स कौन सी कंट्री के अंदर है और कौन सी कंट्री सेकेंड और थर्ड पोजिशन पर है, तो ये भी देख लेते हैं। चाइना वो दुनिया के अंदर सबसे पहले नंबर पर है जो स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जिसने सरपास कर दिया था सेकेंड और जो थर्ड लार्जेस्ट है उनको, क्योंकि अब सेकेंड लार्जेस्ट है यूनाइटेड किंगडम जो कि 800 बिल्डिंग्स है इसके अंदर, और जापान है वो थर्ड लार्जेस्ट है उसके अंदर 250 प्लस बिल्डिंग्स हैं। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि एक नॉर्डिक कंट्री नहीं है। रिसेंटली इसके अंदर क्या हुआ है कि एक टोलेस्ट, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि एक नॉर्डिक कंट्री नहीं है हमें बताना है। हमारे ऑप्शन हैं डेनमार्क, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, नॉर्वे। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनलैंड नहीं, यहाँ पे आइसलैंड आएगा। आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन ये कंट्रीज़ हैं, ये नॉर्डिक कंट्रीज़ आती हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड ये पांचों मिलकर नॉर्डिक कंट्रीज़ बनाते हैं, जबकि स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क है ये तीनों कंट्रीज़ हैं। ये कौन सी कंट्रीज़ हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ भी इन्हें बुलाया जाता है। और दुनिया के अंदर 2013 के बाद में जितने भी इंडेक्सेस आए हैं उनके अंदर इन्होंने टॉप किया है। वर्ल्ड की टैलेस्ट जो सैंड्स कास्टल ये क्यों न्यूज में है, क्योंकि वर्ल्ड की जो सबसे ज़्यादा टोलेस्ट है सैंड कास्टल, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये यहाँ पे दिखाई दे रही है सैंड कास्टल है, ये बनाई गई है वर्ल्ड की, इसमें रिकॉर्ड तोड़ दिया है इन्होंने किसका, 2019 के अंदर जर्मनी में बनाई गई थी। 17.66 मीटर लंबी ऊँची सैंड कास्टल बनाई गई थी, मतलब कि मिट्टी से एक ढांचा तैयार किया गया था। और जो इस बार बनाई है डेनमार्क के अंदर वो बनाई गई है 21.16 मीटर, जो कि जर्मनी में बनाई गई थी उससे 3.5 मीटर टॉल है। डेनमार्क है वो एक नॉर्डिक कंट्री है, ये मैंने आपको बताई दिया, नॉर्दर्न यूरोप के अंदर पड़ती है ये। और ये किस ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडिंग मेंबर है, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, नॉर्डिक काउंसिल के, OECD के, OSCE के और यूनाइटेड नेशन के फाउंडिंग मेंबर्स हैं ये। करंट सिनेरियो ये है कि ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का टैग है ये मैंने आपको बताई दिया है, वहीं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन सी हैं और जो नॉर्डिक कंट्रीज़ कौन सी हैं वहीं हैं ये। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसके रिस्पेक्ट में, भाली या वीट, इनके बारे में बताना है। ये वीट की वेराइटी है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन में देखने को मिलता है और इसका टेस्ट है वो स्वीट होता है, मतलब कि हल्का मीठा होता है। और भालिया वेराइटी है ये वीट की, ये इसको स्टेट ऑफ गुजरात के अंदर GI टैग दिया गया था, सर्टिफिकेशन दिया गया था 2014 के अंदर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हमें बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी, बिकॉज इसे 2014 नहीं बल्कि 2011 के अंदर दिया गया था। मेजर बूस्ट लाने के लिए वीट के एक्सपोर्ट के अंदर पहली शिपमेंट भेजी गई है GI टैग सर्टिफाइड भालिया वेराइटी के वीट की, गेहूँ की, जो कि रिसेंटली कहाँ भेजा गया है, केन्या, कहाँ से, केन्या और श्रीलंका भेजा गया है, गुजरात से। GI सर्टिफाइड है ये वैरायटी और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा प्रोटीन की मिलती है और स्वीट है इसका टेस्ट होता है। ये क्रॉप है ग्रो की जाती है भाल रीजन के अंदर, गुजरात के अंदर, जिसके अंदर इंक्लूड है अहमदाबाद, आनंद, खेड़ा, भावनगर, सुंदरनगर और भरूच के डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है इसकी,
क्योंकि ये वेराइटी है ये ग्रो करती है रेनफील्ड कंडीशन के अंदर जिसके अंदर इरिगेशन की भी ज़रूरत नहीं होती है, और कल्टिवेट होती है ये 2 लाख हेक्टेयर्स के अंदर एग्रीकल्चर गुजरात के अंदर। और भालिया वेराइटी है ये वीट की GI टैग से मिला था 2011 के अंदर, जुलाई 2011 के अंदर, और ये रजिस्टर्ड हुई थी, GI सर्टिफिकेशन दिया गया था आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात को। फिर ऐसा ये क्वेश्चन है, फिर ये वैसा ये वो फिर अगला क्वेश्चन है, ये आपको बताना है इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ग्लो लीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अपना कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर और सोर दोनों ही बताइएगा। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो फॉर रिसोर्सेज टू इम्प्रूव। जय हिंद, जय भारत।